श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुमान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लंका में हनुमान जी की विभीषण जी से भेंट हुई, तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जो बल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण गाम। तब हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिन दसननी महु जी दुबिचारी बात कबहु मोहि जानी अनाथा करी है कृपा भानु भुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना तौ तुम मोहि करत हटि दीना सुनो विभीषण प्रभु कई रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुबीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से ही दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन मैं परम कुलीना पति चंचल सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही न मिलई आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। असु मैं अधम सखा सुन मोहों पर रघुबीर नीही कृपा सुमिर गुन भरे दिलो जननी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है,
भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।